हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं सी फाइनल का पेपर नंबर 4 है, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसके लिए सी फाइनल में 24 का एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटजी, यानी कौन से चैप्टर्स हैं जिसको आप प्रायोरिटी देकर स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले ए कैटेगरी के चैप्टर स्टडी करें, इसके बाद बी के करें, और टाइम मिलता है तो सी के करें। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने करें, लेकिन इस प्रायोरिटी से करोगे तो अच्छे चैप्टर पहले हो जाएंगे, और कोई अगर रिवीजन से छूटता है तो ख़राब चैप्टर बचेंगे। ये एबीसी एनालिसिस का वीडियो तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर। इसका पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप लोग वीएसआई का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि ये एबीसी एनालिसिस की स्टडी आपको मिल जाए, और बाकी पेपर्स जो है रिमेनिंग सीए फाइनल के वो भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको इंटर और फाउंडेशन के भी सब मिलेंगे, तो आप इसको वो करके रखें। अब इसमें ए कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नंबर का वेटेज है, और वो तो करना ही चाहिए। बी कैटेगरी में मॉडरेट हैं, और सी कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जिनका वेटेज कम है। अब इस पर आप क्या बिलीव कर सकते हो कि सही है गलत है, इसके लिए हम हर बार जो ये डालते हैं कि हमने क्या बताया था कि कौन कौन से चैप्टर पहले ए कैटेगरी के हैं, कौन से बी कैटेगरी के हैं, और कौन से सी कैटेगरी हैं, कितने कितने मार्क्स के आने वाले थे, वास्तव में आपके जो एग्जाम हुई नवंबर 23 की उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आए। इसमें अपन देखेंगे तो हमने नवंबर 23 एग्जाम के लिए डाला था कि ये इतने ए कैटेगरी में 84 मार्क्स के आएंगे, वास्तव में 78 के आए नवंबर में, और हमने बताए थे बी में 19 के आएंगे, 19 के आए। हमने ई और बी में बताए थे कि 103 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, जबकि 97 मार्क्स से क्वेश्चन आए, थोड़ा सा गैप है। सी में हमने बताया था कि 15 के आएंगे, लेकिन 21 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो कुल मिला के इसमें जो ये 62, 14, 76 ये वगैरह दे रखा है, ये तो है सब्जेक्टिव पेपर का, जो आपके पास अवेलेबल है मैच कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑब्जेक्टिव का है, इसमें थोड़ा बहुत इनएक्यूरेसी हो सकती है क्योंकि मेमोरी बेस है, लेकिन आप रिलाई कर सकते हैं कि हम ए और बी कैटेगरी पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा है कि ए और बी पढ़ना है, आप ज़्यादा पढ़ो, लेकिन अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो इसका मतलब है कि आप चैप्टर वाइज पढ़ो, ए बी सी कैटेगरी वाइज पढ़ोगे तो आपके अच्छे चैप्टर कवर हो जाएंगे, तो ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। अभी कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, तो हम टैक्सेशन की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस प्रोफेशन, 4 है कैपिटल गेन, 5 है अदर सोर्स, 7 है एग्रीगेशन सेटअप कैरी फॉरवर्ड, 8 है डिडक्शन। अब ये जो चैप्टर हैं ये बेसिकली अपने आप में हो सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चन कम आए, लेकिन जो ये अगला चैप्टर नंबर 9 है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, इसमें इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मतलब ये बाकी चैप्टर भी होना जरूरी है। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट वगैरह और जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह है उसमें 8 मार्क्स का वेटेज है। और ये चैप्टर नंबर 13 है डिडक्शन टीडीएस टीसीएस, 12 है डिजिटल ट्रांजेक्शन जो नया ऐड हुआ है, 19 हुआ है प्रोविजन टू काउंट्रैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेज, और 20 है टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेज। ये 3 चैप्टर नए जुड़े हैं, तो इनमें से भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये तो डीटी के चैप्टर हो गए ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी के, सॉरी ए कैटेगरी में इंटरनल टैक्सेशन का चैप्टर नंबर 24 है ट्राइसिंग ट्रांसफर प्राइसिंग का, 21 है नॉन रेजिडेंट इंडियन का, 22 है डबल टैक्सेशन रिलीफ का, 28 है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये आपके 88 मार्क्स का जो चैप्टर हैं वो ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ लोगे तो मान लो कि लगभग इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। बी कैटेगरी में इनकम टैक्स ही है, जिसमें चैप्टर नंबर 15 है असेसमेंट प्रोसीजर्स, 11 है टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, 14 है इनकम टैक्स अथॉरिटी, 16 है अपील एंड रिवीजन, 17 है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये लगभग 20 मार्क्स के आसपास जो है वो बी कैटेगरी के चैप्टर्स का वेटेज है। अब सी कैटेगरी में देखोगे आप तो चैप्टर नंबर 6 है क्लबिंग, 18 है मिसलेनियस प्रोविजन है, 2 है इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, और 1 है बेसिक कंसेप्ट, जिनमें लगभग 2-1 नंबर का वेटेज है सब में। और ये एडवांस रूलिंग आपका जो है टैक्स इंटरनेशनल टैक्स में 23 चैप्टर, 26 है अपील एंड इंटरप्रिटेशन, चैप्टर नंबर 27 है ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, 25 है फंडामेंटल्स ऑफ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी लगभग 10-1 नंबर का सी कैटेगरी का वेटेज है।
तो अगर आप इस कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप इसको अडोप्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो। बहुत सारे बच्चे अटके हैं ज़्यादा सिलेबस करने के चक्कर में, और ज़्यादा के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते, तो कम से कम इम्पोर्टेंट चैप्टर तो उनके हों। थैंक यू।